जिला वैशाली के महुआ अनुमंडल के करीब 15 से 20 गांव गंडक नहर परियोजना का काम चल रहा है। गंडक नहर की जो मुख्य नहर है उससे नई शाखा नहर निकाली जा रही है। इस निकलने वाली नई शाखा नहर से गरीब, दलित, वंचित किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी पूरी की पूरी बस्ती या खेत चले जा रहे हैं। ये किसान, ये मजदूर इस बनने वाली नहर का विरोध कर रहे हैं। इन प्रभावित होने वाले लोगों के बीच मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैं अजीत बहादुर और ये है मेरा समुदाय। हमरा सके एको गो ना है कोनो कनु घर रहेला ना दुआर रहेला त हम से कहां जाम गई घर छोड़कर। या नहर ना आवे के चाहिए। आपकी जमीन जा रही है नहर? हाँ, जमीन जा रहा है सर, साल दूर और दो गो टाटी मरी घर है। जो ये नहर परियोजना के बारे में आप काफी लंबे से जुड़े हुए हैं इस गांव से, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? आप इंजीनियर से पूछिए, इंजीनियर हमको कह चुका था कि कभी पानी न मिले। मुख्य नहर यहाँ से गई है, इसी से 50 मीटर की दूरी पर दूसरी नहर खोदी जा रही है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, वो ग्रामीण झोखोड़ा है, वहीं से नई शाखा नहर निकलेगी। सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? नहर बनने दिया जाए या रोक दिया जाए? अब रोक देवे तब तक गरीब के फायदा में फायदे हो जाए। आपको कोई नोटिस मिली है, कागज मिला है ना? तब आप क्या करिएगा? मर जाएंगे, बोलबा कि नहर में ना हमको रहे के नहीं साधन। हम लोग हरे जन महागरीब है, कालंदर है, एकदम कुछ उपाय नहीं है, कहाँ जाएगा हम लोग। सिंघाड़ा मुकुटपुर में लोगों ने नहर का काम रुकवा दिया। जो कुछ नहर की खुदाई हुई वो ठेकेदार ने रात में किया जब लोग सो रहे थे। इस नहर के निकाले जाने का क्या उचित है ये समझ में नहीं आता है। तत्काल इस योजना पर रोक लगाई जाए। इसमें आप भी मेरी मदद कर सकते हैं, बिहार सरकार के सिंचाई एवं कृषि मंत्री को खत लिख करके। मैं अजीत बहादुर, बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।